यार घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बाथम, अगले एक घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जो आपसे सरोकार रखती है। आगे देखिए लैंडर विक्रम पर नासा से आई नई खबर, सुबह 9:30 बजे आपको दिखाएंगे 100 शहर 100 खबर और मुंबई में किस तरह से बैंक में मारे लोगों के लिए अच्छी खबर है, कैश निकालने की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। आज तक ने इस खबर को लगातार दिखाया है और अब जाकर सरकार जाग गई है। तो सबसे पहले बात न्यूयॉर्क की करेंगे, जहां भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का सामना करने से पाक विदेश मंत्री बचते नजर आए। साक बैठक में कुरैशी तब तक नहीं पहुंचे जब तक जयशंकर वहां से निकल नहीं गए, जाहिर तौर पर वो उनसे बचना चाह रहे थे। हालांकि हाफिज पर भी कुरैशी की जुबान पर ताला लगा रहा। एक दिन पहले भी एस जयशंकर ने पाकिस्तान को चेताया था, कहा था कि दिन में क्रिकेट रात में आतंक नहीं चलेगा, और इसी सख्ती के बाद कुरैशी सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। ये वही कुरैशी हैं जो जंग का राग अलापते हैं लेकिन भारत के सामने नहीं आ सके। एक दिन पहले हाफिज के बैंक खाते को लेकर पाकिस्तान को यूएन का फैसला मिला और पाक को अंदेशा था कि यह सवाल जरूर उठेगा। जहां एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त कश्मीर पर, मकबूजा कश्मीर पर, जिसने जबरदारी किया हुआ है, जिसने 52 दिनों से वहाँ कर्फ्यू का नफाज किया हुआ है और वहाँ के लोगों के बुनियादी हकूक को मअत्तल किया हुआ है, उनके साथ बैठना मुनासिब मैंने न समझा। तो उनकी रवानगी के बाद मैंने आकर पाकिस्तान का नुक्ता नज़ा जो था वो मैंने पेश किया। हालांकि एस जयशंकर कुछ भी कहने से बचते रहे लेकिन भारतीय विदेश मंत्री का वो बयान पाकिस्तान को सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर पाक को चेताया था, और इसी बयान के बाद कुरैशी सामना नहीं कर सके। फिर सुनिए वो बयान जहां पाकिस्तान के लिए खतरा है, ये एस जयशंकर ने कहा। They have to accept that the model which they have built for themselves no longer works. That you cannot, in this day and age, conduct policy using terrorism as a legitimate instrument of statecraft. I think that's at the heart of the issue. We have no problem talking to Pakistan, but we have a problem talking to Terroristan. It's very difficult in real life to separate issues. Now, if you see some of the अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लैंडर विक्रम को लेकर बड़ी जानकारी दी है। दरअसल नासा ने लैंडिंग साइट की तस्वीरें जारी की हैं। नासा ने कहा कि चंद्रयान 2 के लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई। ये तस्वीरें शाम के वक्त ली गई हैं जिसके चलते विक्रम की लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। अब नासा अक्टूबर में कुछ और तस्वीरें जारी करेगा। आपको याद होगा कि चांद पर लैंडिंग से ठीक पहले चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का इसरो से संपर्क टूट गया था। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।